हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, ये देखो आज मैं फिर एक नई डिजाइन के वीडियो के साथ आई हूँ आपके बीच में। ये देखो मैंने ये आज डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन की वीडियो बनाई हूँ। सो आप बनाना सीखें कि ये मैंने डिजाइन किस तरह से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा आसान डिजाइन है ये, 14-14 फंदे की डिजाइन है। ठीक है, ये हम अब बताने जा रहे हैं किस तरह से बनाया। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमने फंदे डाल लिए हैं। इसमें फंदे हमने ये 14 फंदे की डिजाइन है, तो मैंने 28 फंदे डाले हुए हैं और 2 फंदे स्ट्रेप, एक पहले एक लास्ट के लिए। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में पहला फंदा स्लिप करने के बाद पूरी रो ऐसे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, ऐसे हम अपनी पूरी रो ऐसे उल्टी बनाती हूँ। ठीक है, देखो हम ऐसे ही उल्टे सिलाई अपनी बना लेंगे। फर्स्ट रो धागा पीछे, ये देखो एक सीधा बनाए। अब हमारी ये उल्टी साइड सेकंड रो, इसमें हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया और धागा पीछे। अब ये अपनी पूरी रो ऐसे, ये देखो हम ऐसे उल्टी बना लेंगे, सीधी बना लेंगे। सीधी में उल्टे बनाने हैं और उल्टे में सीधा बनाना है। ये हम लास्ट के एक फंदा छोड़ के पूरी ऐसे हम सीधा बना लेते हैं। फिर बताते हैं अपनी थर्ड रो। ये देखो मैंने पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। ठीक है, हमारी दो सेकंड रो यानी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे फिर सीधी साइड, सीधी साइड में यानी हमारी थर्ड रो, फिर हम ऐसे ही पूरी ऐसे उल्टी ही बना लेंगे। ठीक है, ये भी अपने थर्ड रो भी ऐसे पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करते हैं। फोर्थ रो उल्टी साइड में बताते हैं। देखो आगे हम अपने फोर्थ रो यानी उल्टी साइड, उल्टी साइड में हमने पहला फंदा स्लिप किया और यहाँ पे 7 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कैसे बनाना है। ये उल्टी साइड हमारी फोर्थ रो है। ठीक है, ये देखो हमने उल्टे बनाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फंदा ऐसे, ये देखो ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में हम 7 फंदे फिर ऐसे उल्टे बना देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जैसे हमने बताया कि 14 फंदे की डिजाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इन्हीं फंदों पे हमें डिजाइन बनानी है, हमारे 14 फंदे की डिजाइन है। ठीक है, उसके बाद में अब इधर फिर एक डिजाइन हम बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7 बनाया, वहाँ वैसे यहाँ पर भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर ऐसे फंदा हम लपेट लेंगे और 7 फिर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये देखो 3, 4, 5, 6, 7 ये हेयर स्टिचिंग। ठीक है, अब हम आगे अपने फिफ्थ रो यानी सीधी साइड। ठीक है, ये देखो ये हमारी फिफ्थ रो आ गई। फिफ्थ रो में क्या करना है, पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और इस फंदे वाले फंदे को ऐसे और ऐसे इसमें करके इसी पर हम देखो ऐसे दोबारा चढ़ा देंगे और इन दो फंदों का पीछे से ये देखो इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमारे सीधे आ गए और ये जो इस चौथी सिलाई में यानी फोर्थ रो में हमने ये फंदा घुमाया था, इसमें हमें क्या करना, 6 फंदे बनाने हैं। देखो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 फंदे बनाए, धागा पीछे करेंगे। ठीक है,
पीछे करने के बाद हम यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना दिए, ठीक है। उसके बाद में इन दो फंदों का हम एक करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया। सेम ही यही पैटर्न हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो इसे ऐसे उतार लिया और दोनों को इस पर हमने ऐसे चढ़ाने के बाद इसको दो का एक कर देंगे पीछे से, और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। इस वाले में हम छह फंदे देखो बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, ठीक है। धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ये हमारा दूसरा पैटर्न भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो का एक करेंगे इस तरह से, ये देखो, और ये लास्ट का ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम आगे उल्टी साइड सिक्स रो, ठीक है, यानी छवीं सिलाई। ये देखो मैं छवीं सिलाई यानी उल्टी साइड, इसमें देख लो क्या करना है। पहला फंदा मैंने स्लिप किया, उसके बाद में यहाँ पे देखो मैंने दो का एक किया था, इस सिलाई में उल्टी साइड में भी दो का एक करेंगे इस तरह से, दो का एक किया। अब यहाँ पे हम 14 फंदे ऐसे उल्टे बीन लेंगे, दो तीन चार, और ये वाले भी, ठीक है, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक 14, ठीक है। और इधर से देखो इस वाले फंदे में आप बना रहे हो उसमें देखना, सीधी साइड में मैंने इस वाले फंदे में दो का एक किया था, तो इसमें भी करना, देखो किस तरह से करना। इस फंदे को ऐसे उतारा, इस वाले को भी हम ऐसे ही उतार लिए, उसके बाद में ऐसे हम फिर इसी पे चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद में इस वाले दोनों फंदों को हम इस तरह से पीछे से डालेंगे, देखो इस तरह से पीछे से डालेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। एक मिनट हम डाल के दिखाते हैं, ये देखो इस तरह से, जैसे हमने ये वाला लिया ना इसी तरह से दोनों फंदों का देखो दो का एक करना है। थोड़ा सा आप भी ढीला रखना, मेरा फंदा टाइट हो गया इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो और दो का एक कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही इधर भी जिस तरह से मैंने यहाँ पे दो का एक किया था उसी तरह देखो ये ऐसे दो का एक कर दिया, ठीक है। और 14 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, ठीक है। अभी इन फंदों को भी हम उसी तरह देखो ऐसे और ऐसे उतार लिए, ठीक है। फिर इसी पे ऐसे मैंने चढ़ा दिया और पीछे से देखो, ये देखो पीछे से ऐसे दो का एक कर लेंगे, एक मिनट देखो दो का एक कर लेंगे ये लास्ट का। ये हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई, हम आगे सीधी साइड यानी हमारी सेवंथ रो हम बताते हैं। ये देखो हमारी सीधी साइड, हमने पहला फंदा स्लिप किया और पहला फंदा स्लिप करने के बाद में ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये देखो इनको हम फिर इसी में चढ़ा लेंगे,
उसके बाद में इनको पीछे से इस तरह से दो का एक कर देंगे, ठीक है। फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। अब यहाँ पे हम पांच जाली डालेंगे, किस तरह से धागा घुमाया, एक बनाया, धागा घुमाया, दो धागा घुमाया, तीन धागा घुमाया, चार धागा घुमाया, पांच धागा घुमाया, एक यहाँ पे एक फंदा ये बनाते हुए तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन सीधे बना लिए, ठीक है। ये देखो हम जिस फंदे में ये घुमा दो का एक करते हैं वो वाला आ गया, ये देखो इनको आगे से दो का एक कर देंगे, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया, इस तरह से हमने यहाँ भी बनाना है। देखो ऐसे हम इन दो फंदों को उतार के ऐसे इसी पे हम चढ़ा लेंगे और ऐसे पीछे की साइड से दो का एक कर लेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और जाली डालते हुए यहाँ पे छह फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार पाँच। अब यहाँ पे धागा घुमा के यहाँ पे हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, और देखो इनको भी हम आगे से दो का ऐसे एक कर देंगे, ठीक है। लास्ट का ऐसे बना देंगे, देखो हमने सीधी साइड अपनी बना ली है। अब हम आगे उल्टी साइड, देखो हमें उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हमें क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप किया और दो का, देखो यहाँ पे हमें क्या करना, दो का एक करना, ठीक है। और 16 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है। 16 फंदे हमने ऐसे बनाए। अब यह हम क्या करेंगे, दो का एक करेंगे, किस तरह से, ऐसे स्लिप किया और ये भी फंदा ऐसे स्लिप किया, ठीक है। और इनको ऐसे मैंने ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे पीछे से हम पीछे से इसे सिलाई डाल के इस तरह से दो का एक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यही पैटर्न इधर भी, देखो मैंने यहाँ पे दो का एक किया, उसी तरह से यहाँ पे भी हम देखो इस तरह, यहाँ पे हम इस तरह से दो का एक करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे हम 16 फंदे उल्टे बना लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह एक सोलह, ठीक है। अभी इन दोनों फंदों को ऐसे हम उतारेंगे, उतारने के बाद में देखो और पीछे से इस तरह से दो का एक करेंगे, लास्ट का फंदा हम बना लेंगे, ठीक। अब हम आगे सीधी साइड है, देखो देखो हम आगे सीधी साइड, तो सीधी साइड में हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया और ये देखो इन दो फंदों को पीछे से दो का एक कर लेंगे और यहाँ पे हम 14 फंदा सीधे बनाएंगे, एक दो, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक चौदह, और इन दो फंदों का हम ये देखो एक कर लेंगे। इसी तरह हम इधर भी रिपीट पैटर्न, ठीक है। फिर हम ये देखो यहाँ पर भी हम आगे
दोनों फंदों को ऐसे उतार लिया और पीछे से दो का एक करेंगे। 14 फंदा बनाने के बाद में दो का एक करके एक सीधा बनाएंगे, फिर बताते हैं। देखो 14 हमने बना लिया, उसके बाद में दो का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा। अब हम आगे अपनी उल्टी साइड, ठीक है। देखो उल्टी साइड में हमें क्या करना, पहला फंदा स्लिप किया और दो फंदों का देखो ऐसे एक करेंगे और 12 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12 करने के बाद में यहाँ पर फिर हम दो का एक करेंगे, तो इनको दोनों फंदों को ऐसे मैंने उतार लिया। उतारने के बाद में देखो ऐसे करके पीछे से ये देखो दो का एक कर दिया, ठीक है। और फिर हम आगे से अब दो का एक करेंगे और 12 फंदा उल्टे बनाएंगे, ठीक है। 12 फंदा उल्टे बनाते हैं, देखो 12 फंदे हमने बनाने के बाद ऐसे मैंने इसे उतार लिया है देखो, और ऐसे इस तरह से दो का एक करेंगे, एक उल्टा बना लेंगे हम आगे सीधी साइड, ठीक है। ये देखो ये हमारा 10 सिलाइयों के पैटर्न बनके तैयार हो गया है, ठीक है। यही 10 सिलाइयाँ आप बारी बारी रिपीट करना है। हम थोड़ा सा एक डिजाइन और ऊपर बनाकर दिखा देते हैं कैसा लगता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हमने अपने दो डिजाइन बना ली हैं देखो, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये देखो बहुत ही प्यारा लुक आता है ये, आप चाहें तो ना ये देखो यहाँ पे इस तरह से भी बन जाता है। आप चाहें तो ये बॉर्डर में भी डिजाइन यूज कर सकते हो, या फिर आप 2, 3, 4 डिजाइन बनाने के बाद ऊपर से दूसरी डिजाइन डाल के ऐसे भी जैकेट बना लो। हमने बनाया था, बहुत ही प्यारा लुक आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी बहुत प्यारा लुक आता है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।